हम भी हाथ आगे बढ़ाने तैयार हैं, बशर्त ये कि हमारे मसाइल हल हो। अकबर साहब को मैं एक ही यकीन दिलाना चाहता हूँ, मेरे सरकार के तरफ से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ पूरे तेलंगाना जनता को, 4 करोड़ लोगों को, हैदराबाद शहर को अगले लेवल पे हम लोग लेके जाने वाले हैं। 1960 से लेकर आज तक, संजीवैया साहब के दौर से लेकर आज रेवंत रेड्डी साहब तक हम इस ऐवान में नुमाइंदगी करते आए हैं, तो हम उनका साथ दिए जिन्होंने हमारा साथ दिया। हमारा साथ का मतलब क्या है? हमारे मसाइल का हल। आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब फॉर मेकिंग मी ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर हु हैड विजिटेड लंडन एंड वी वेंट अराउंड एंड इंक्लूडिंग मी इन द टीम वेर इन वी वॉन्ट टू डेवेलप द मूसी। सर, ये बहुत ही अच्छा फैसला है आपका। मैं अपनी पार्टी की जानिब से आपके इस फैसले और आपके इस एकदम जो मूसी रिवर फंड को डेवलप करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और हमारा पूरा तावुन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मूसी रिवर फंड का जो डेवलपमेंट का जो प्लान है वो जरूर कामयाब होगा और हम बता देंगे अगर इरादा हो तो जरूर नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। आपको जानकारी है क्योंकि आप 7 बार MLA जीत चुके हैं। यहाँ के जनता, यहाँ के लोग, आने वाले जाने वाले, ये हैदराबाद मेट्रो सिटी को जितना जानते, ये हेरिटेज प्रिसिंक्ट कुली कुतुब शाह से लेकर चार मीनार तक, कितना अच्छे सुंदर सुंदर बड़े बड़े महल से, ये सब सारे देखने के लिए दुनिया कोने कोने से यहाँ पर लोग आ रहे। इसीलिए हम लोग मूसी रिवर फ्रंट के नाम पे हम लोग आगे डेवलपमेंट करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग उठाए। उसी सिलसिले में हम लोग सरकार के तरफ से लंदन आए थे, आप भी हमारे साथ में शामिल हुए, जो एक्सपर्ट से हमारा मीटिंग हुआ था। इसीलिए गंडीपेट से लेकर उस्मान सागर, हिमायत सागर से लेकर नागोल से आगे 55.5 किलोमीटर्स मूसी एरिया, मूसी रिवर डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलप करने के लिए हमारे सरकार पूरे कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का मदद जरूरी है, आपके मदद हम लेंगे। I welcome the decision and I thank the Honorable Chief Minister Saab, Mr. Revanth Reddy Saab, for deciding that the metro train would come to Old City and also including few other areas of Old City like Chandrayan Gutta, OAC Hospital, then Aramgarh, then Pharma City and Airport, sir. This was what we were demanding, sir. Sir, I was the first person who spoke about metro, sir. Sir, I used to speak about metro and I remember Mr. late P. Janardhan Reddy, he used to talk about mono train. So we used to have a fight in this house. He used to say mono train, I used to say metro train. Then Rajshekhar Reddy Saab told me, Akbar, let's go to Delhi, we'll go and see there. And then it was decided that the metro will come. But it is so unfortunate, the city has the metro, but old city doesn't have a metro, sir. ग्रेटर हैदराबाद में मेट्रो का बहुत जरूरत है, इसीलिए गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा, फलकनामे से लेकर चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो रेल डालने के लिए हम लोग आदेश दे चुके। और दूसरी बात रहा नागोल से लेकर एलबी नगर, एलबी नगर से लेकर ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल से लेकर चंद्रायन गुट्टा, चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से लेकर सीधा सीधा इंटरनेशनल हवाई जहाज अड्डा पे हम मेट्रो रेल ले जा रहे, और एलबी नगर से हैत नगर तक हम मेट्रो रेल लेके जा रहे, और कुकटपल्ली से आगे चंदा नगर से लेकर BHEL और रामचंद्रापुरम तक भी हम मेट्रो आगे वहाँ पर भी हम आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे। और हम हाईटेक सिटी से लेकर गच्चीबौली वहाँ पर विप्रो जंक्शन से जो अमेरिका काउंसलेट सेंटर है वहाँ तक भी हम आगे ले जाने के लिए तेलंगाना सरकार ने पूरा अप्रूवल किए। ये पूरा रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हम लोग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को हम दे चुके हैं। करीब है रमजान का महीना आएगा, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि रमजान के महीने में कुछ काम मसाजिद के करीब मंजूरी दी जाती है, तो उन कामों की मंजूरी और रमजान के इंतजाम की मीटिंग अगर आप पहले बुला लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा,
फिर जब रमजान की मीटिंग नहीं होगी, रमजान के कामों की मंजूरी भी नहीं होगी, तो मुस्लिम रोजेदारों को काफी तकलीफ होगी। रमजान के बारे में इलेक्शन कोड आए तो आप सचमुच बोले हमें भी पता है, हम कोई रिव्यू नहीं कर सकते। जैसे ही असेंबली खत्म होते सब MLAs को बुला के एक सेपरेट मीटिंग बुलवा के आप लोग जो भी मुद्दा उठाएंगे वो पूरा रिजॉल्व करने के लिए हमारे ऑफिसरों को मैं आदेश दे दूंगा। ऑलरेडी पुलिस कमिश्नर एंड कंसर्न डिपार्टमेंट को हम आदेश दे चुके हैं रात को देर रात तक पूरा दुकान खुला रखने के लिए, किसी को रमजान के लिए सब कुछ इंतजाम करने के लिए GHMC एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट भी सैंक्शन किए 5 करोड़ रुपए। जल्दी से जल्दी वो टेंडर बुलवा के वो काम करवाने के लिए सरकार पूरा तैयारी कर ले रहे, और ₹1 लाख का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस माइनॉरिटीज और BCs को जो साबेका हुकूमत की तरफ से मंजूर हुआ था, क्या देने वाले हैं नहीं देने वाले? बेचारे पेंशनर परेशान है, उनकी पेंशन नहीं आई साहब, अब तक बढ़ के नहीं आई, जितनी आ रही थी वो भी नहीं आई साहब, जरा पेंशन दे दी। 2 बेडरूम का पट्टा दिया गया और अब तक उनको चाबी नहीं दी गई क्योंकि कोर्ट केस था। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इश्यू सर, इन माई कॉन्स्टेंसी PWD एंड GHMC क्वार्टर्स वे देयर, सर द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड एंड दोज पुअर पीपल हु वेकेटेड द प्रमाइसेस एंड साइट on my assurance and on the certificate and the unit number and the patta given to them are not been allowed sir. Hum zuban dete hain, hum bolte hain, uske baad wo khali karte hain, ghar ban jate hain, unko ghar nahi mila to hum kya bolenge unse? Hazrat Baba Sharfuddin sahab ki pahadi ke paas sabeqa hukumat ne ek IT center ka manzoori di thi, usko bhi aap active kariye, pahadi sharif ke ram ko mukammal kijiye, मौलाली के रैम को मुकम्मल कीजिए सर। दरगाह बराने शाह साहब खिबला के पास में वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की मंजूरी हमने हासिल की थी, उसको थोड़ा सा फंड रिलीज करिए। तो फ्रूट मार्केट सर, फ्रूट मार्केट, और हमने लिख कर दिया है कि जब नई मार्केट बन जाएगी तो इस मार्केट को वहां लेके चले जाए, लेकिन वो गरीब फ्रूट वेंडर्स काफी परेशान है, और पुराने शहर के रोड वाइडनिंग्स का भी मसला है। व्हाइट राशन कार्ड वाले ठीक है साहब, वो उनको देना चाहिए सर। व्हाट अबाउट पिंक राशन कार्ड सर? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास। स्कॉलरशिप्स और फीस रीइंबर्समेंट को रिलीज नहीं किया गया, कुछ तो हिस्सा रिलीज कीजिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू जानने वाले को भी आप एक नुमाइंदा बनाइए, इसलिए क्योंकि रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान उर्दू है। के पुराने शहर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा स्किल डेवलपमेंट के जरिए। नैक का सेंटर पुराने शहर में, वहां पर भी कई स्किल डेवलपमेंट के नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों लग जा रहे हैं। द पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज जीरो सर, ऑलमोस्ट जीरो आई वुड से। पानी है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन पुराने शहर में भी बहुत सारा एरिया अनसर्व्ड है। आज भी मेरे एरिया में पानी के लाइंस नहीं है। वी हैड प्रपोज वर्क वर्थ 1,217 करोड़, वेर इन देर आर फ्लाईओवर्स, और इसमें कई चीजें हैं, रोड वाइडनिंग्स है, 301 करोड़ सर सिवरेज का। तो ये काम को भी फेज वाइज अगर आप करेंगे तो मैं हुकूमत का ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा सर। बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट निजामिया टीबी कॉलेज, जिसकी लागत 52.50 करोड़ है, इसका जियो निकला है, इसको भी अगर आप काम को शुरू करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उस्मानिया हॉस्पिटल की हेरिटेज बिल्डिंग है, दवाखाना बंद है, उस्मानिया हॉस्पिटल को टेकअप कीजिए सर। आई नो वॉट इज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द स्टेट, आई वुड नॉट मेक एनी डिमांड विच इज इम्पॉसिबल सर। आपके साथ जरूर लेता हूं, आप जो बात मुद्दे उठाए सब सारे मेरे कन रिकॉर्ड, और कुछ भी जो भी अगर बचा हुआ है मैं अलग मीटिंग बुलाऊंगा। सेमी अर्बन तेलंगाना और रीजनल रिंग रोड से लेकर तेलंगाना बॉर्डर तक रूरल तेलंगाना 2050 मास्टर प्लान हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अकबर साहब, हम लोग आगे तेलंगाना के लिए बड़ा नक्शा लेकर आने वाले हैं। ये हैदराबाद, ये तेलंगाना को दुनिया से में सबसे बड़ा सुंदर प्रदेश बनाने के लिए हमारा कोशिश जारी रहेंगे। आपका मदद हमेशा, जितने हम जो भी अच्छा किए आप तारीफ किए उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस
प्रदेश को आगे तरक्की करवाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेंगे। अकबर साहब को मैं एक ही यकीन दिलाना चाहता हूँ, मेरे सरकार के तरफ से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ पूरे तेलंगाना जनता को, 4 करोड़ लोगों को, हैदराबाद शहर को अगले लेवल पे हम लोग लेके जाने वाले हैं।